दोस्तों, फोर व्हीलर की तरफ लोगों का नजरिया बदल रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग क्रॉसओवर और एसयूवी गाड़ियों की तरफ झुक रहे हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन ला रही है कोरोला क्रॉस। कंपनी की पोर्टफोलियो में ये RAV4 और यारिस के बीच जगह बनाएगी। कोरोला क्रॉस को कोरोला मीट्स एसयूवी के नाम से भी नवाजा जा रहा है, जो कि इस रेंज को विस्तार करने में खूब मदद करेगी। सिर्फ जापान में ही नहीं, इस मॉडल को दुनिया भर में पेश करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि कोरोला रेंज 1966 से मार्केट में मौजूद है और तब से लेकर अब तक इसने 48 मिलियन ग्राहकों को संतुष्ट किया है। लगभग 150 से भी ज्यादा देशों में उपलब्ध है ये कोरोला रेंज। अब जबकि ये टोयोटा की मोस्ट डिमांडिंग मॉडल है और ग्राहकों में इसका डिमांड भी कम ना हो, इसके लिए कुछ नए एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। चलिए जानते हैं वो बदलाव क्या है, इस बार कितना एक्साइटिंग बन रही है कोरोला क्रॉस। पर उसके पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को कभी भी मिस ना करें। बात करें टोयोटा कोरोला के नए रेंज की, तो इसकी शेप एंड साइज बहुत हद तक RAV4 जैसी है। ये बेस्ड है टोयोटा की ग्लोबल TNGA मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पर, साथ ही ये कंपनी के डिजाइन लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। डायमेंशन की तरफ एक नजर डालें तो ये क्रॉसओवर 4460mm लंबी है, 1825mm चौड़ी है, 1620mm ऊंची है और 2640mm के व्हील बेस के साथ आएगी। डायमेंशन की तरफ अगर हम नजर डालते हैं तो ये क्रॉसओवर 4460mm लंबी, 1825mm चौड़ी, 1620mm ऊंची और 2640mm का व्हील बेस के साथ आएगी। कोरोला क्रॉस की एक्सटेंसिव केबिन, सिंपल एग्जिट और एंट्री, ड्राइवर असिस्ट एंड सेफ्टी टेक्नोलॉजी इसे सेगमेंट के बाकी गाड़ियों से यूनिक बनाती है। इसके अलावा कंफर्टेबल राइड के लिए ये गाड़ी टॉर्शन बीम सस्पेंशन से लैस है। कार के सेफ्टी इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर एंड रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे फीचर्स कोरोला क्रॉस हाइब्रिड के मिड और टॉप वेरियंट में उपलब्ध है। ये हाइब्रिड मॉडल 1 लीटर फ्यूल से 23.25 किलोमीटर तक एवरेज देने में सक्षम है। रिपोर्ट के मुताबिक कम CO2 उत्सर्जन करके ये गाड़ी इको फ्रेंडली साबित हुई है। अब जान लेते हैं पावर स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो थाईलैंड में दो ऑप्शंस के साथ ये कार रिलीज हुई है। पहला है 1.8 लीटर का 2ZR FBE गैसोलाइन इंजन, जो कि 140 HP की पावर और 175 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क पैदा करती है, और दूसरा है 600 वोल्ट का इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि 72 HP और 163 न्यूटन मीटर का पावर आउटपुट देगी। हाइब्रिड मॉडल के कंबाइंड पावर आउटपुट की अगर हम बात करते हैं तो वो है 98 HP और 142 न्यूटन मीटर। अब देखना है कि कोरोला क्रॉस इस सीरीज को कितना पॉपुलर बना पाती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।